अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेडिकेशन सेफ्टी। आज हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हमारे पास एक लेक्चर होगा मेथड्स ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द 5 R's ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी? एनी वॉलंटियर? फाइव आवर्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी के अंदर आते हैं, नंबर वन, जब भी हमने किसी पेशेंट को मेडिसिन देनी है, आइदर वो ऑरल फॉर्म है, आईवी है, या इंट्रामस्कुलर फॉर्म में है, और इट्स सबलिंगुअल है, और इट इज सबक्यूटेनियस, देयर आर 5 R's जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन, राइट ड्रग शुड बी गिवन टू द राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। नेक्स्ट हम डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स रिएक्शन। हर ड्रग के 2 इफेक्ट्स होते हैं, वन इज अ बेनिफिशियल इफेक्ट है जिसकी वजह से वो ड्रग हम उस पेशेंट को दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट हु इज हैविंग इन्फेक्शन, उसको हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट बेनिफिशियल इफेक्ट, एक और इफेक्ट होता है, दैट इज अ हार्मफुल इफेक्ट होता है उस ड्रग का, लेकिन वो इफेक्ट नॉन है, वी नो दैट कि ये भी इफेक्ट प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड अ साइड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ओपियॉइड्स होते हैं, दे आर गिवन इन द पेशेंट्स हु आर हैविंग स्वेयर पेन, लेकिन जो ओपियॉइड्स होते हैं उनका एक साइड इफेक्ट होता है, दे कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। एंटीबायोटिक्स, मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो GIT डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं, डायरिया कॉज करती हैं। ऑन अदर हैंड, जो एडवर्स रिएक्शन होता है किसी भी ड्रग का, वो अनएक्सपेक्टेड हार्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, पैनाडोल, पैरासिटामोल इज अ वेरी कॉमन ड्रग जो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, अ स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स, वो एलर्जिक हैं इवन टू द पैरासिटामोल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एडवर्स रिएक्शन। साइड इफेक्ट जो होता है वो उस ड्रग का नॉन इफेक्ट होता है, जो हमें ऑलरेडी वी नो इट। ऑन अदर हैंड, जो एडवर्स रिएक्शन होता है किसी ड्रग का, वो अनएक्सपेक्टेड होता है, एंड दैट इफेक्ट्स ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट आर द स्टेप्स इन यूजिंग मेडिकेशन। जब भी हमने कोई मेडिसिन जो है किसी पेशेंट को देनी है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। नंबर वन, प्रिस्क्राइब करना है, एडमिनिस्टर करना है, और उसको मॉनिटर करना है। जो मेडिकेशन होती है वो पेशेंट जो है वो खुद भी ले सकता है, या अगर हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर प्रेजेंट है तो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो दे सकते हैं। स्टेप नंबर वन में प्रेस्क्रिप्शन होती है। प्रेस्क्रिप्शन सिंपली मीन्स डेट कि आपने एक अप्रोप्रिएट या राइट ड्रग जो है पेशेंट को उसकी क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग देनी है। हर पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन डिफरेंट होती है, कुछ पेशेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने कंसीडर करना है बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द पेशेंट, सच एज पेशेंट एलर्जिक तो नहीं है जो हम मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं। साइज ऑफ पेशेंट समटाइम्स इंपॉर्टेंट होता है जब हमने ड्रग की डोज को कैलकुलेट करना है। अदर देन दैट, पेशेंट को ऑलरेडी कोई और मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है, कोई ऐसे ड्रग्स तो नहीं ले रहा जो हमारी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करें। इसके अलावा कुछ कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जो लिवर फेलियर के हैं या रीनल फेलियर के होते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर यूजुअली जो डोज होती है वो डिक्रीज होती है,
लिवर जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर. वो पेशेंट जो लिवर फेलियर के होते हैं उनके अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ड्रग का वो प्रोलॉन्ग हो जाता है. डेट इज वाई हम डोज जो है वो डिक्रीज देते हैं. ऑन अदर हैंड मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स होती हैं वो एक्सक्रीट होती हैं वाया किडनीज. जो पेशेंट्स रीनल फेलियर के होते हैं उनके अंदर भी जो है ड्रग्स की डोज डिक्रीज देते हैं ताकि जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ड्रग्स का वो डिक्रीज रहे, वो नॉर्मल रेंज के अंदर रहे और ड्रग टॉक्सिसिटी ना हो. प्रेस्क्रिप्शन के अंदर सेकेंड स्टेप ये होता है कि हमने एडमिनिस्टर हमने किस तरह करना है ड्रग को. आइदर ड्रग को हमने आईवी देना है, आईएम देना है, ऑरल फॉर्म में देना है, उसकी डोज क्या होगी. आइदर वो ओडी में जाएगी वंस डेली और बीडी में जा रही है ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे. नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है बिटवीन द मेडिकल पर्सन. कम्युनिकेशन है जो वो ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं और सेकेंडली मेडिकल और जो मेडिकल पर्सन और पेशेंट के दरमियान कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि आप वेल इंफॉर्म करें पेशेंट को कि हम आपको कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है और इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. इन केस अगर वही पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो द पेशेंट शुड हैव द प्रेस्क्रिप्शन विद हिम और हर ताकि जो नेक्स्ट डॉक्टर हैं वो सेम क्लास जो है ड्रग की ना दे दें. लास्टली जो है प्रेस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट इज कि हाउ कैन प्रेस्क्राइबिंग गो रॉन्ग. नंबर वन, इफ यू आर हैविंग एन इनएडिक्वेट नॉलेज अबाउट अ ड्रग, जो ड्रग आप पेशेंट को दे रहे हैं उसके बारे में आपका नॉलेज ही कम है, आपने इंडिकेशन और कुछ कंट्रा इंडिकेशन को कंसिडर ही नहीं किया. सेकेंडली आपने कुछ जो पेशेंट फैक्टर्स थे उनको ही नहीं कंसिडर किया. अदर जो है जो 5 आवर्स थे उनको हमने जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है. कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन एरर हो सकता है और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जब हम ड्रग्स को की डोज को कैलकुलेट करें स्पेशली बच्चों के अंदर तो हमने कैलकुलेशन में एरर किया. नेक्स्ट है जिसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी ब्रीफली डिस्कस किया था, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक कुछ मेडिकेशंस होती हैं वो भी मेडिकेशन एरर की कॉज हो सकती हैं. सच है सेलिब्रेक्स जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सेलिब्रेक्स जो है एंटी कन्वल्सेंट है और सिलेक्सा जो है एंटी डिप्रेसेंट है. दे आर ऑल साउंड अलाइक मेडिकेशन है. ऑन दी अदर हैंड कुछ लुक अलाइक मेडिकेशन हो सकती हैं. सपोज दो ड्रग्स हैं टोटली डिफरेंट क्लास की हो सकती हैं लेकिन इनकी पैकिंग जो है वो सेम है. दो ड्रग्स जो हैं वो टैबलेट फॉर्म में हैं, दे आर ऑफ द सेम कलर, दे विल हैव अ लुक अलाइक मेडिकेशन. नेक्स्ट हमारे पास मेडिकेशन के अंदर जो सेकेंड स्टेप होता है डेट इज एडमिनिस्ट्रेशन. इन दैट हमने कैलकुलेट करना है कि हम जिस पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं उसकी कितनी डोज होगी. यूजली जो डोज होती है अकॉर्डिंग टू वेट होती है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन के अंदर अगर हम अदर देन डैट जब हम ड्रग्स हैं उन कुछ ड्रग्स होती हैं जो पाउडर्ड फॉर्म में होती हैं उनको अगर हमने आई वी या आई एम देना होता है हम नॉर्मल सिलाइन के साथ मिक्स करते हैं फिर हम उनको पेशेंट को देते हैं. अदर देन डैट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेबलिंग इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं इसीलिए जो ड्रग्स जिनके सोल्यूशन हम बनाते हैं आइदर सिरिंजेस में बना रहे हैं या बॉटल्स में है तो उसके बाद बनाने के बाद उनकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है. लास्टली ये है कि बिफोर गिविंग द ड्रग आस्क द पेशेंट आइदर पेशेंट इज हैविंग द ड्रग एलर्जी और नॉट. कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके ड्रग एलर्जी के जो चांसेस होते हैं इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसीलिए उन ड्रग्स की पहले टेस्ट डोज दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, सीट्रॉक्स आईवी दी जाती है लेकिन बिफोर गिविंग आईवी हम पहले इंट्राडर्मल देते हैं, टेस्ट डोज देते हैं इंट्राडर्मल. अगर आफ्टर गिविंग दैट पेशेंट को एट द साइट ऑफ इंजेक्शन कोई व्हील्स और फ्लेयर नहीं बनते हैं, वहाँ पर कोई रैश डेवलप नहीं होता तो फिर हम आईवी जो है वो सीट्रॉक्स देते हैं. नेक्स्ट, हाउ कैन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गो रॉन्ग. अगेन वो जो 5 आवर्स थे अगर हमने उन्हीं को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उनको कंसीडर नहीं किया, उसकी वजह से जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन गो रॉन्ग. लास्ट इज द मॉनिटरिंग. वंस वी हैव गिवन द ड्रग आइदर ऑरल फॉर्म में थी
मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट है ताकि स्पेशली उन ड्रग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है वो नैरो होता है. सेकेंडली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ड्रग्स की मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट होती है कि जो ड्रग्स जिस पर्पस के लिए हम दे रहे हैं वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, आइदर हमें जो ड्रग की क्लास है वो चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकल वार्ड के अंदर नमोनिया का पेशेंट एडमिटेड है, द पेशेंट इज हैविंग अ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया. इन दैट केस जो है वो हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर 3 डेज हम देखते हैं कि पेशेंट का फीवर और रिस्पायरेटरी सिम्टम्स जो है वो रिजॉल्व नहीं हुए. इन दैट केस वी नीड टू चेंज द ड्रग. अगर हम ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करेंगे वी विल कंटिन्यू विद द सेम एंटीबायोटिक, लेकिन पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे जो डिजीज होगी वो वर्स करेगी. हाउ कैन द मॉनिटरिंग गो रॉन्ग? नंबर वन, जो ड्रग हम दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स की तरफ हम गौर नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स दे रहे हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं कॉमनली उनकी साइड इफेक्ट्स के अंदर बोन मैरो सप्रेशन है. हम पेशेंट के CBC नहीं करवाते, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनीमिया, ल्यूकोपेनिया और अदर देन दैट पैनसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे. पेशेंट को हमारे पास लेटर ऑन जो है वो इन्फेक्शन के साथ आता है, एनीमिया के साथ आ जाता है या ब्लीडिंग के साथ आ जाता है. हमने जो ड्रग है उसका कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बावजूद हमने ड्रग को स्टॉप नहीं किया. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है सच एज उन पेशेंट्स के लिए जिनको हम एंटीकोएगुलेंट्स दे रहे हैं. एक पेशेंट जो है वो ऑलरेडी ऑन एस्पिरिन पर है, क्लोपिडोग्रल पर है, हेपरिन पर है या वारफेरिन पर है. ऐसे पेशेंट्स के जो है वो हम PTINR या APTT नहीं करवा रहे, या हमने एक ड्यूरेशन डिफाइन नहीं किया कि हमने ये ड्रग 3 to 6 months के लिए देनी है. लेटर ऑन जो है वो पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है, इंट्राक्रेनियल ब्लीड के साथ प्रेजेंट कर सकता है. समटाइम्स जो ड्रग है बिफोर इट्स कोर्स कम्प्लीशन हम उसको स्टॉप कर देते हैं. आइदर जो है वो पेशेंट खुद ही ड्रग जो है इनटेक जो है वो स्टॉप कर देता है, और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स के केसेस में. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर डिजीज के अंदर हमने एंटीबायोटिक फॉर 7 डेज के लिए देनी है, लेकिन पेशेंट जो एंटीबायोटिक ले रहा है वो 3 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ सकती है. समटाइम्स हमने उन ड्रग्स की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे. कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स होती हैं उनकी जो है ब्लड लेवल्स के अंदर उनकी मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है ताकि उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स ना आए. कैन एनीवन गिव एग्जांपल ऑफ एनी अदर ड्रग अदर देन एंटी कन्वल्सेंट जिनके जो है ब्लड टेस्ट की हमें ब्लड टेस्ट करना इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम उनके लेवल्स को मॉनिटर करते रहें. एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं. एंटीबायोटिक्स में फॉर एग्जाम्पल अमाइनोग्लाइकोसाइड जो ग्रुप है सच एज जेंटामाइसिन, दे आर बोथ नेफ्रोटॉक्सिक भी हैं, ऑटोटॉक्सिक भी हैं. अदर देन देयर जो वारफेरिन है, डाइजॉक्सिन है, ये वो ड्रग्स हैं जिनका थेरापूटिक इंडेक्स जो है वो नैरो है. इट मीन्स डैट अगर हमने इनको नॉर्मल डोज से ज़्यादा देते हैं तो उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो पेशेंट्स को आ जाते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाएंगे. These patients are most at the risk of medication error. किन patients के अंदर medication error के chances ज़्यादा होते हैं? वो patient जो multiple medications पर हैं या उनके comorbidities ज़्यादा हैं. For example, एक patient who is hypertensive भी है, diabetic भी है, और she is having a cardiovascular disease है, that patient is on multiple medications भी हैं और उसकी comorbidities भी होंगे. वो patients who cannot communicate well, for example, language barrier हो सकता है. Those patients who are having more than one doctor or between the doctors and between the hospitals जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है, पेशेंट जो है अपने डॉक्टर्स को नहीं बता रहा कि वो दूसरे जो अपनी किसी और डिजीज के लिए किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहा है. इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं, एक पेशेंट माइग्रेन के लिए एक डॉक्टर से कंसल्ट करता है, फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करता है, वो उसको बीटा ब्लॉकर प्रेस्क्राइब कर देते हैं फॉर माइग्रेन. पेशेंट अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करता है फॉर अपने ACS है, अगर पेशेंट को कोई कार्डिक इशू है जिसके लिए कंसल्ट करता है, कार्डियोलॉजिस्ट भी पेशेंट को जो है मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करता है जिनके अंदर बीटा ब्लॉकर भी एडेड है. पेशेंट डजंट नो वेल अबाउट के बीटा ब्लॉकर के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो पेशेंट एक ही क्लास की 2 ड्रग्स लेता है.
अब बीटा ब्लॉकर्स की वजह से अगर वो ओवरडोज में चला जाएगा तो पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया होगा, कार्डिक अरेस्ट में जा सकता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दोज पेशेंट्स हु डू नॉट टेक एन एक्टिव रोल इन देयर ऑन मेडिकेशन. लास्टली जो है, बच्चों के अंदर मेडिकेशन एरर के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों में हमेशा जो ड्रग्स होती है वो उनकी डोज कैलकुलेट करके दी जाती है. अदर देन दैट, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से मेडिकल एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नंबर वन, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, रशिंग, डूइंग टू थिंग्स एट वन टाइम, इंटरप्शंस हो सकती हैं, फटीग है, चेकिंग और डबल चेक हैबिट्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक ड्रग दे रहे हैं, बिफोर गिविंग द ड्रग, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, आप पेशेंट से पूछते ही नहीं कि आपको इस पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी है, या आप उस ड्रग को चेक नहीं करते कि इसकी लेबलिंग जो है वो आइदर करेक्ट है, इनकोरेक्ट तो नहीं है. पुअर टीम वर्क हो सकता है और कम्युनिकेशन बिटवीन द कोलीग्स, एंड रिलक्टेंस टू यूज द मेमोरी एड्स. मेमोरी एड्स के अंदर जो है वो नोट्स आ सकते हैं, कंप्यूटराइज एड्स हो सकते हैं इफ यू आर नॉट यूजिंग दम. लास्टली, जो हमारी ओवरऑल जो होल डिस्कशन है उसका जो बेसिक पर्पज है और समरी वो ये है कि यूज द जेनेरिक नेम्स. नंबर वन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रेड नेम्स वेयर एवर पॉसिबल, तो आप मेडिसिन के जेनेरिक नेम को यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, पैनाडोल जो है डेट इज अ ट्रेड नेम है, और उसका जो जेनेरिक नेम है वो पैरासिटामोल है. टेलर प्रेस्क्राइबिंग फॉर ईच पेशेंट, बिकॉज हर पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन डिफरेंट होती है. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, कुछ पेशेंट के साथ में को मॉर्बिड कंडीशन होती हैं. पेशेंट आपके पास हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए आया, लेकिन दैट पेशेंट इज ऑल्सो हैविंग अ रीनल फेलियर बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, या पेशेंट को डायबिटीज भी है. तो आपने पेशेंट की जो मेडिकेशन होती है उसकी उसकी एज और उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली और उसकी को मॉर्बिड कंडीशन के अकॉर्डिंग टेलर करना है. लर्न एंड प्रैक्टिस थ्रू मेडिकेशन हिस्ट्री टेकिंग वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें बिफोर गिविंग द ड्रग टू द पेशेंट वी नो कि पेशेंट को ये ड्रग एलर्जी हो सकती है. नंबर टू, पेशेंट ऑलरेडी कोई मेडिकेशन ले रहा है, पेशेंट ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जो हमारी जो ड्रग हम उसको दे रहे हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है. वी मस्ट नो द हाई रिस्क मेडिकेशंस एंड टेक प्रिकॉशंस. हाई रिस्क मेडिकेशंस फॉर एग्जांपल आईवी पोटेशियम, वो हाई रिस्क हो सकती है. एंटी कन्वल्सेंट्स जो है वो हाई रिस्क मेडिकेशंस के अंदर आती हैं. नो द मेडिकेशंस यू प्रेस्क्राइब वेल, दिस इज बोथ फॉर द पेशेंट एज वेल एज द डॉक्टर. यूज द मेमोरी एड्स, जैसे मैंने कहा कि वो नोट्स की फॉर्म हो सकती हैं, कंप्यूटराइज्ड एड्स होते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं. कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बिटवीन द मेडिकल पर्सन एंड बिटवीन द मेडिकल पर्सन एंड द पेशेंट. डिवेलप द चेकिंग हैबिट्स. एग्जाम्पल उसकी थी कि बिफोर गिविंग द ड्रग, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग आप आई एम दे रहे हैं, आई वी दे रहे हैं, डू चेक के आप कौन सी ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को. आइदर यू आर गिविंग द ड्रग टू द राइट पेशेंट, राइट साइड पर दे रहे हैं, रूट ठीक है. इनकरेज द पेशेंट्स टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व. उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये है कि पेशेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपने साथ हमेशा अपनी मेडिकेशन का या प्रेस्क्रिप्शन का रिटन रिकॉर्ड रखें, ताकि इन केस अगर वो अपनी किसी और डिजीज या सेम डिजीज के साथ किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट डॉक्टर है ही और शी शुड नो कि पेशेंट ऑलरेडी ये मेडिकेशन ले रहा है. एनी क्वेश्चन? एमन हबीब, आलिया शहबाज, अहमद अली मलिक, आमिना जावेद. यस मैम. आमिना, हमने डिस्कस किया 5 आर्स को मेडिकेशन सेफ्टी के अंदर. 5 आर्स को कैन यू रिपीट दैम? यस मैम. राइट रूट होती है, राइट डोज होती है, राइट पेशेंट होता है, और मैम
वेरी गुड. राइट टाइम है. यस मैम. ओके मैम एक भूल गया. कोई बात नहीं. आमना ताहिर. अक्सर सर. ओके आमना, आप वो हमने कुछ पेशेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया है कि बिफोर प्रेस्क्राइबिंग अ ड्रग टू द पेशेंट, कौन से फैक्टर्स हैं पेशेंट के जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए? मैम हिस्ट्री लेनी चाहिए पेशेंट से. ओके नंबर वन, हिस्ट्री के लिए हमारे अंदर क्या चीज इम्पोर्टेंट है? हिस्ट्री में पेशेंट से उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और उसके डिजीज की हिस्ट्री लेते हैं, जो वो मेडिसिन ले रहा होता है वो ले पूछते हैं. ओके मेडिकेशन हिस्ट्री में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. नंबर वन आपने बताया कि पेशेंट की ऑलरेडी कौन सी मेडिकेशन ले रहा है. अदर देन डेट मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या चीज इम्पोर्टेंट है? जो मेडिसिन वो ले रहा होता है, जो उसकी डिजीज पे इफेक्ट कर रही होती है, हम वो देखते हैं सिग्निफिकेंट मेडिसिन. पेशेंट फैक्टर के अंदर अदर देन डेट जो है वो ड्रग एलर्जी कॉमन है, ये हमने कंसीडर करना है. पेशेंट ऑलरेडी कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रहा जो हम ड्रग दे रहे हैं उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है. और लास्टली जो है पेशेंट की कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है. एक फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चों के अंदर जो है यार टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर भी हमने ड्रग का की सिग्निफिकेंस होती है. फीमेल्स के अंदर जो प्रेग्नेंट है उनके अंदर मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं. सेकेंडली जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है हमेशा ड्रग्स जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर वेट जो है वो कैलकुलेट करके उसकी डोज दी जाती है. तो ये भी पेशेंट फैक्टर्स के अंदर पॉइंट्स. एनी क्वेश्चन? ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड्स. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. ओके अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.